भाई से इस आदमी का सब कुछ टूटा पड़ा है। आई थिंक आई विल नेवर एवर रीच एनीवेयर ऑन टाइम। शादी से पहले दुनिया भर की फोटोज पर दे लुक सो ब्यूटीफुल। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। गुड मॉर्निंग। आज हो गई है सुबह और हम हो गए हैं तैयार और हम फिर से लेट हैं। हमें 10 बजे निशान से घर होना था लेकिन 10 बजे हम यहाँ नोएडा में बैठे हुए हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हम रेडी हो रहे हैं और अभी मतलब जो आज का प्लान है वो इतना कॉम्प्लेक्स है किसी ने सोची ना होगी। तो अभी पहले आप जाएंगे निशांत के घर। हाँ। और मैं पहुंचूंगी सीधा चर्च वेडिंग में रेडी होकर। हाँ। तो आज आप थोड़े टाइम के लिए दो साइड से व्लॉग देखेंगे थोड़ा थोड़ा। yes. ठीक है, और फिर हम शादी में इकट्ठे हो जाएंगे। yes. गाइस, जो आज मेरा दिमाग खराब हुआ है, मतलब होता ना कभी आपको शादी में जाने से पहले आप सब कुछ एवरीथिंग हैज टू गो रॉन्ग। तो मेरे जो कल से मेरी बैंड बजनी शुरू हुई है, पहले मेरी साड़ी प्रेस थी हुई, ठीक है, फिर मैंने सोचा कि चल कोई बात नहीं, मैं क्योंकि मॉर्निंग में भी वहां पे कुछ रिचुअल्स हैं, हिंदू रिचुअल्स, तो मैंने सोचा कि मैं सूट पहन लूंगी। गाइस, मैं सुबह सुबह सूट प्रेस करने लगी, सूट के ऊपर पीछे कोई दाग लगा हुआ है और मेरा इतना दिमाग खराब हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा लास्ट मिनट में मैं क्या करूं, क्योंकि चर्च बैठे के पहले मेरे को ऐसे अजीब लग रहा है कि मैं क्या पहन के जा रही हूं। हां, सुबह से गाइस हम पगलाए हुए कि मैंने इसको बोला मैं सूट पहन लूंगी, ऊपर कोट पहन लूंगी और नीचे चप्पल में काटो लगूंगी एकदम। फिर मैं बहुत देर एनालाइज करने के बाद, गाइस मेरे पास एक न्यू ड्रेस पड़ी थी वो निकाल ली, जो कि अब चर्च वेडिंग के लिए सही है ना। हाँ, एकदम परफेक्ट। उसके ऊपर कोट वोट पहनेंगे। हाँ। मैं रेडी होके आपको दिखाऊंगी और वो इजी टू कैरी भी है। हाँ। तो क्या होगा, मैं दिन में उसमें रह लूंगी, रात में आई कैन वेयर माई हैवी लहंगा, देन आई विल बी एबल टू मैनेज। तो पूरा दिन हैवी ड्रेस में नहीं घूम सकता। हाँ, बंदा परेशान। हाँ, हो जाऊंगी। हाँ। मैं ठीक है, तो मैं अभी जाने वाली हूँ प्रीति के घर और ये जाने वाला है निशान के घर और मिलते हैं आपको जल्दी। शूज और कोई तो नहीं रखने? नहीं, बस एक ही रखने है ना। ये काफी है। मैंने तो सूट पहनना है, दो अलग अलग सूट पहनूंगा और दोनों में सेम जूते। लड़कों का सिंपल रहता है यार, सूट पहनो काम खत्म। हाँ यार, तुम लोग का सही है, हमको मेकअप वेकअप सब कैरी करना पड़ता है। गाइस, मेरा तो मैं क्या ही बताऊँ, मैं हेयर टूल्स, हेयर ड्रायर, स्ट्रेटिंग मशीन, कर्ली मशीन से पूरा पार्लर लेके चल रही हूँ मैं साथ में। किसी को मेकअप बुकिंग करानी हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम एक ही दिन में दो दो शादी अटेंड करेंगे सेम बंदों की दूसरी बार। इट इज सो मच फन, कितना एक्साइटिंग है ना। चलो चलो बस गाइस, हमने सामान दिखाओ जरा, इनको सामान दिखाओ जरा। ये गाइस हम एक दिन के फंक्शन पे जा रहे हैं, ये हमारा एक दिन के फंक्शन का सामान है, हमारे आउटफिट्स और ये पूरा टैची लेके हम जा रहे हैं जैसे हनीमून मनाने। साथ में ये दोनों, हाँ, जैसे हनीमून मनाने जाते थे सारे कपड़े लेके, उतने सारे कपड़े हम लेके जा रहे हैं। गाइस, हम पहुंच गए हैं प्रीति के यहाँ पे और फटाफट अब अंकित यहाँ पे कपड़े चेंज करने वाला है और फिर ये निकल रहा है वेडिंग के लिए। वहां पे भी क्या क्या होना है बीबी? वो घोड़ा चढ़ेगा, घोड़ी वो लगता है, वो घोड़ी चढ़ चुका होगा जो तू, वो हालात है ना तेरे, 12 बज गए हैं यहीं पे, लेट हो गए हम इतने। अब ये फटाफट तैयार होके जाने वाला है गाइस वहां पे और मैं प्रीति के पास रहूंगी, मैं तेरे को फिर बेबी सीधा चर्च में मिलूंगी। ठीक है, ओके। टाई भी तुमने निकाल के बाहर रख दी और ये आदमी गाइस, इनके आदमियों के चार चीजें होती पहनने वाली, बेल्ट, टाई, शर्ट, पैंट, उसमें से भी आप क्या बेल्ट घर छोड़ा हो, शर्म आनी चाहिए आपको। गाइस कुछ भी कहो, लड़कों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक प्लेन व्हाइट शर्ट में कितने सेक्सी लगते हैं। और ये तुम्हारी अनिल कपूर वाली छाती छुपा लो, ये बाल देखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे। बाल दिवस हटा दो, चिल्ड्रंस डे, गेट रिड ऑफ इट। भी नहीं आ रहा है, इस आदमी का सब कुछ टूटा पड़ा है। बटन भी टूटे पड़े हैं, कोट के बटन भी टूटे पड़े हैं। अब ये फोटो देख के समझ नहीं आएगा, पर गाइस व्लॉग्स वालों को सब असलियत दिखनी चाहिए। शादी में जाके फोटो तो हर कोई खिंचाता है, पर शादी में जाने से पहले का ये सब तमाशा आपको कोई नहीं दिखाता, ये हम दिखाएंगे आपको। गाइस, इसकी शर्ट के बटन टूटे, इसके कोट के बटन टूटे, इसकी इतनी गंदी किस्मत है, इसने एक ऐसी लड़की से शादी करी जिसको बटन भी लगा, यूजलेस है एकदम। सुबह कहता है बटन लगा तू, मैंने कहा हाँ लगा लो, खुद लगा लो, मुझे तो आता नहीं लगाना। तेरा हस्बैंड यहाँ रेडी हो गया है, ये घड़ी का है। अरे यार पकड़ से। सो गाइस, अंकित तो चला गया है पर मैं यहाँ खाने वाली हूँ छोले भटूरे, फ्रेंड ने मेरे लिए मंगाए हैं और ये ओम दी हट्टी के बेस्ट, कमला नगर में ही है ना, ओम दी हट्टी कमला नगर, बेस्ट छोले भटूरे। मैं जब भी इसके घर आती हूँ ये मेरा स्टेपल नाश्ता है, परमानेंट।
देखो गाइस लोड करके यहाँ पे सलाद, मिर्ची, भटूरे और छोले गर्मा गर्म। अब मैं ठूसने वाली हूँ इसे। सर गाइस अभी मैं यहाँ पे खाना पीना करके अब मैं लगा रही हूँ नेल पेंट। एक्चुअली मुझे परमानेंट नेल पेंट लगानी थी पर मेरे को टाइम नहीं मिला, तो प्रीति ने मुझे ब्यूटीफुल सा ब्राउन शेड निकाल के दिया। अभी ये ड्राई हो रहा है, उसके बाद मैं तैयार होना शुरू कर दूंगी। ये कभी भी शादी में जाना हो ये फिक्स्ड है कि सुबह सुबह मेरी मम्मी नहाने के बाद सबसे पहले नेल पेंट चेंज करती थी हमेशा, या नेल पेंट लगाती थी या फिर चेंज करती थी। और मैं तो खैर नेल्स ही लगाऊंगी, बट फुट पे ना मेरे परमानेंट नेल पेंट लगी हुई थी जो कि मैंने आधी चिप कर दी थी ऐसे खरोच खरोच के। फुट पे ना मेरी रह गई थी परमानेंट नेल पेंट लगानी, तो मैंने अभी यहाँ पे आके लगा ली। क्यूट लग रहे। निशांत मेरे को गालियां देगा, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ और लिटरली वो मेरा वेट कर रहा है जाने का। मेरे को ढोल की आवाज ऑलरेडी आ रही है। मंदिर का सारा कुछ हो चुका है, अब हम जा रहे हैं चर्च की तरफ। चर्च में मिलते सीधा। मेकअप हो गया? हाँ मेकअप हो गया, आउटफिट आधा पहना है, अभी कोट वोट चढ़ाना है, इसकी बेल्ट चढ़ानी है। गाइस मैं हो गई हूँ रेडी। ओवो टीवी चेक, ये है मेरा आज का आउटफिट, साथ में मैं कोट कैरी कर रही हूँ। और गाइस ठंड से बचने के लिए ये देखो गर्म पजामे मैंने आधी काट रखी थी, और उस दिन भी जब मैं बैचलर में गई थी तो मैंने यही पहना था ठंड से बचने के लिए, क्योंकि फैशन अपनी जगह गाइस, पर सर्दी लग गई तो रात की शादी अटेंड नहीं कर पाऊंगी। तो आप जरूर बताना कि मेरा लुक कैसा लग रहा है। अभी चर्च वेडिंग के लिए सिंपल लुक रखा है मैंने, और ये ट्यूनिक ड्रेस पहनी है, ये मेरा मेकअप है, ये मेरे इयररिंग्स है, और साथ में कोट है, और बाकी का लुक आपको रात को दिखाएंगे। अब चलते हैं जल्दी से क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं। अभी 20 मिनट दूर है यहाँ से और ब्राइड ऑलरेडी वहां आ चुकी है। मैं हमेशा हर जगह लेट पहुंचती हूँ, ऊपर से सब कुछ कर लो बट मेरे नेल्स लगाने फिर रह गए, बट मैं लेके आई हूँ ऑन द गो है, सो इसीलिए अभी मैं कैब में बैठ के अपने नेल्स लगाने वाली हूँ। आई थिंक दिस इज द मोस्ट पंक्चुअल वेडिंग आई एम अटेंडिंग, क्योंकि 3 बजे का टाइम था और 3:15 बजे ब्राइडल एंट्री हो चुकी है। गाइस मैं अभी तक नहीं पहुंची हूँ, आई एम ऑलमोस्ट देयर, एंड आई गॉट सच अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम द कैब ड्राइवर। द कैब ड्राइवर वॉज सो डिसेंट, और उन्होंने मुझे लास्ट में बोला, मेरे मम्मी को ना वीडियो कॉल करके एक्चुअली दिखा रही थी कि व्हाट एम आई वेयरिंग, तो उन्होंने मुझे लास्ट में बोला आप बहुत अच्छे लग रहे हो, सच में आप बहुत अच्छे लग रहे हो। ही वॉज सो पोलाइट एंड सो डिसेंट, मेड माई डे ऑनेस्टली। अब देखते हैं पति क्या बोलता है देख के। दिस नेवर गेट्स ओल्ड। शादी से पहले दुनिया भर की फोटोज पर दे लुक सो ब्यूटीफुल। आई थिंक आई विल नेवर एवर रीच एनी वेयर ऑन टाइम। मैं कभी भी टाइम पे कहीं नहीं पहुंच सकती, दिस इज द थिंग अबाउट मी, आई विल नेवर रीच एनी वेयर एनी टाइम। वहाँ शादी चल रही है और मुस्कान अब पहुंची है, लेकिन मुस्कान को लोकेशन नहीं मिल रही, वो एक मंदिर के बाहर खड़ी है रेडी होके, बस मैं उसको लेने के लिए जा रहा हूँ। आई कैन सी माई हस्बैंड, वो मुझे देख के हंस रहा है, ऐसे हंस रहा है जैसे पहली बार देख रहा है अपनी बीवी को। दोनों ने प्रिंट आउट निकलवा लिया, इसे मुझे प्रिंट आउट निकलवाने के लिए बोला था, खुद भी निकलवा लिया और मेरे से भी मंगवा लिया। हेलो, अरे आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। हेलो, मैं कितनी लेट हूँ? बहुत लेट हूँ? बहुत लेट तो नहीं है। नहीं हूँ पक्का? हाँ 5-10 मिनट पक्का ना? हाँ। तो कुछ ज्यादा मिस नहीं किया मतलब मैंने? तूने एंट्री मिस कर दी ब्राइड की। तू उसके साथ आया होगा, निशांत के साथ? मैं पीछे खड़ा था ना। अच्छा अच्छा, पाता पहले ब्लेस कर रहे थे, वो ब्लेस करेंगे उसके बाद ही एंटर करेंगे। आपने व्लॉग किए? हाँ मैंने। चलो बस ठीक है, फिर लोगों को तो देखने को मिल जाएगा ना। अच्छा बीवी कैसी लग रही है? बहुत सुंदर, एकदम टॉप ऑन टॉप।
टॉप ऑन टॉप मम्मी को दिखाया, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कोई मीटिंग क्रैक करने जा रही हूँ, बहुत बड़ी डील क्रैक करके आऊंगी आज घर। मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। दूल्हा यहाँ खड़ा, कपड़े जा रहे हैं। दूल्हा गाइस अपनी गाड़ी भेज रहे हैं ड्रॉप करने, अपने कपड़े लेने भूल गया। अभी घर वाले मेरे को गाली देते, अभी कोर्ट में जाना पड़ता तेरे को फेरे लेने। इसकी मम्मी ने चार बार मेरे को बोला बेटा इसकी माला यहाँ रखी है, इसकी माला यहाँ रखी है, और ये कह रहे ले जाओ मेरी गाड़ी, मेरे को नहीं चाहिए कपड़े। पीछे ब्राइडल शूट चल रहा है। So guys, finally, हमने अपने first time we attended a wedding at Christian wedding और इतना अच्छा लगा because नए you know नए rituals आप देखते हो तो बड़ा enjoy करते हैं ना। और choir बहुत अच्छा था, उन्होंने कितने अच्छे से गाया। हाँ कितनी प्यारी prayers थी ना, सुनने में कितना अच्छा लग रहा था। और guys ये देखो मेरे को क्या मिला, क्या अरे बटन मिल गया, बटन मेरी शर्ट का बटन मिल गया।